भाई जो फौज की भर्ती की प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल रोक कर सारी रिक्रूटमेंट्स अग्निपथ के माध्यम से की जा रही हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ 4 साल तक नौकरी कराने के बाद 25% लोगों को आप रखेंगे, 75 को आप रिटायर कर देंगे, उनके लिए भविष्य में संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और सारी भर्ती अगर अग्निपथ के माध्यम से होगी तो ये फौज के लिए कोई बहुत सकारात्मक नहीं है। हमारा मानना है कि नौजवानों के लिए भविष्य के अवसर फौज की भर्ती की प्रक्रिया और फौज के अंदर भी जो 2 तरह के अगर सैनिक हो जाएंगे वो भी अच्छी बात नहीं हम मानते हैं। तो सिर्फ कुछ पैसा बचाने के लिए या कुछ आर्थिक तंगी का हम लोग करें तो गलत है, क्योंकि डिफेंस का बजट हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो हम मानते हैं कि अग्निपथ जो योजना थी वो बहुत जल्दबाजी में की गई, और अगर करना भी था तो उसको स्टैगर्ड कर सकते थे या उसका एक टाइम लिमिट तय कर सकते थे। तो ये जो किया है इससे एक जो ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान बच्चे हैं, लड़के जो बहुत तैयारी करते हैं, फौज में जाने की रुचि होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं लेकिन एक जज्बा होता है मातृभूमि की सेवा करने का, वर्दी पहनने का, और उसको अगर हम उसको रोकने का काम करेंगे तो उसको हमने गलत माना है। इसलिए सरकार और खासकर अभी लगभग 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आपने मेडिकल फिजिकल सब टेस्ट कर लिए, पास कर लिए, सिर्फ ज्वाइनिंग करानी थी, उनको भी आपने मना कर दिया है, तो वो लोग बहुत लंबे समय से धरना दे रहे हैं, 1.25 लाख लोग हैं, लड़के हैं, उनको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने उनको भर्ती किया था। इन तमाम बातों को लेकर मुझे लगता है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया लेकिन नीति आयोग की सर अभी रिपोर्ट आई है उसके तहत उन्होंने कहा है कि एक अच्छी खबर है कि भारत में जो है गरीबी की जो दर है वो 5% कम हुई है, अच्छी बातें बता रहे हैं सर, आप उसको कैसे देखिए? जो इस प्रकार आबादी बढ़ी है और जिस प्रकार से खाई बढ़ी है, आप मत भूलिए कि जो अमीर और गरीब की खाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और गरीबी की परिभाषा क्या है, क्या वो ग्लोबल परिभाषा है या हम लोगों ने नई उसमें परिभाषित उसको किया है? और मैं मानता हूँ कि इस देश में जो संसाधन है, गांव और शहर की जो खाई वो बढ़ गई है, जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए कि अब उसकी कोई हद नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं, उसकी चिंता हम लोगों को है।